भैया जी, हम आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। का बताएं, हमारी शादी नहीं हो पा रही है। अम्मा जी कहती हैं, तू हमारा राजा बाबू है, हम तुम्हारी शादी बहुत शौक से करेंगे, खूब धूमधाम से करेंगे। हम कहते हैं, अम्मा 50 तो होने जा रहे हैं, फिर कब करेंगे हमारी शादी? हाँ, कहती करेंगे बेटा करेंगे। अब पप्पा हमारे कहते हैं, साले ससुरे तूने ठल्ला है, तेरी शादी नहीं होगी। हमने कहा, जाओ तुम लोग नहीं कर पाओगे, हम खुद ही करेंगे। बस भैया जी, हम निकल गए बाहर शादी करने के लिए। हमको मिली बाहर सुशीला। हमने कहा, ये सुशीला रानी, हमसे शादी करोगी? कहती काहे? कहती है तुम्हारा दांत काला है। अरे हमारा दांत काला है तो का हुआ, हमारा दिल थोड़ा ही काला है। कहती है, धत हम नहीं करेंगे तुमसे शादी। और चली गई भैया जी। और फिर आगे हमको पड़ोसी की बिटिया मिली। हमने कहा, ए चबाना? कहती का? हमने कहा, हाँ चबाना। कहती है, ससुरे हमारा नाम शबाना है। हमने कहा, हाँ, हमसे शादी करोगी? हम पैसा वैसा नहीं लेंगे, उल्टा पैसा दे देंगे, हमसे शादी कर लो। कहती नहीं करेंगे, पहले नाम तो बोलना सीख लो ससुरे। और कहीं के चले गई। और आगे हमको मिली वैशाली। फिर हम बोले, भैया जी ए। कहती का? हमने कहा, हाथी का अंडा ला। कहती का? हमने कहा, हाँ, वो गाना था ना सिनेमा में जो आमिर खान गाए रहे, हाथी का अंडा ला। कहती ससुरे उठा, आती क्या खंडा ला? हमने कहा, हाँ चलोगे हमारे साथ? कहती का करोगे? हमने कहा, करेंगे का, खेलेंगे कूदेंगे घूमेंगे फिरेंगे, बत्ती बुझाएंगे गेम बजाएंगे। और का चटाक से हमको थप्पड़ मार के चली गई। अरे हमको क्या मालूम था भैया जी कि गेम बुझाना और बत्ती बुझाना कुछ और होता है। हम तो सोचे थे बत्ती बुझाएंगे तो ई मोमबत्ती जलाएंगे, और बत्ती जलाने के बाद लूडो खेल के खूब मजा करेंगे। लेकिन ससुरा बेड़ा गर्क हो गया। आप लोग हमारी शादी करा दीजिए भैया जी, हमारी शादी नहीं हो रही है।